नमस्कार दोस्तों, 18 अप्रैल 2024 को एक बहुत बड़ा मुकाबला खेला जाएगा जो कि मुंबई इंडियंस वर्सेस पंजाब किंग्स के बीच में खेला जाएगा। यह मुकाबला न्यू स्टेडियम मुलानपुर चंडीगढ़ में शाम को 7:30 पे खेला जाएगा। इस मुकाबले से पहले अगर दोनों टीमों की बात की जाए तो मुंबई इंडियंस का परफॉर्मेंस पिछले कुछ मैचों से काफी अच्छा है। ये टीम अब पटरी पे वापस लौटती नजर आ रही है और इस टीम का जो परफॉर्मेंस है वो काफी बेहतरीन होता चला जा रहा है मैच दर मैच। शुरू के लगातार 3 मैच हारने के बाद इस टीम ने जिस हिसाब से कमबैक किया है वो काबिल तारीफ है। वहीं अगर पंजाब किंग्स की बात की जाए तो पंजाब किंग्स का परफॉर्मेंस भी पिछले कुछ सालों जैसा ही है। लास्ट मोमेंट पे, लास्ट बॉल पे, लास्ट ओवर में मैच हार रही है या जीत रही है। ये टीम काफी बेहतरीन तैयार की गई है लेकिन इस टीम का परफॉर्मेंस जो है वो उतना भी बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं है। उस खिलाड़ी ने परफॉर्म करके दिखाया है हमें, जिनको कि पंजाब किंग्स ने गलती से खरीद लिया था। बाय करने के तुरंत बाद मालूम चला इनको कि इस शशांक सिंह को बाय नहीं करना था बल्कि एक और शशांक सिंह को बाय करना था जिनकी की उम्र काफी कम है। तो गलती से इस प्लेयर को खरीदा गया और ये प्लेयर ही इस साल के आईपीएल में काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहा है पंजाब किंग्स की तरफ से। मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में या तो इनको एक नया कप्तान बनाना चाहिए टीम के लिए या फिर शशांक सिंह को भी कप्तानी के रूप में अपनी टीम के बागडोर दे सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ मैचों में जिस हिसाब से परफॉर्मेंस रहा है कप्तानी को लेके वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। तो अगर इस मैच के टिकट की बात की जाए तो इस मैच के टिकट से पहले एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है, बहुत बड़ी कमी मालूम चल रही है, बहुत बड़ा मिसमैनेजमेंट मालूम चल रहा है मुलानपुर स्टेडियम का। मिसमैनेजमेंट ये है कि जब मैच चालू होने वाला है उससे कई घंटों पहले लोग लाइन लगा रहे हैं ताकि वो स्टेडियम में एंटर करके पूरा मैच देख पाएं। तो प्रॉब्लम ये है कि मैच शुरू होने से पहले वो लाइन लगा रहे हैं और मैच चालू होने के 10 ओवर बाद तक भी उनकी एंट्री नहीं होती है। तो इस तरह का एक मिसमैनेजमेंट देखने को मिला हमें मुलानपुर स्टेडियम में। तो इसीलिए अगर आप जब भी मुलानपुर की टिकट बुक करेंगे तो स्टेडियम के अंदर आप बहुत पहले एंटर करने की कोशिश करिएगा। लास्ट मोमेंट में मत सोचिएगा कि आप जाएंगे आपको एंट्री मिल जाएगी, क्योंकि अगर लास्ट मोमेंट भी जाएंगे तो ऐसा भी होता है कि मैच जो है एक इनिंग पूरी खत्म हो जाए तब आपकी एंट्री हो। तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि जब भी जाइएगा वहाँ पे तो आप समय से पहले ही पहुँचिएगा ताकि आप मैच शुरू होने से पहले आप एंटर कर पाएं। तो बहरहाल अगर इस मैच की टिकट आपको बुक करनी है तो इस मैच की टिकटें पेटीएम इंसाइडर पे अवेलेबल है। कई सारे कंप्लेंट मेरे पास आ रही थी कि इसकी टिकटें जो है वो सस्ती वाली नहीं मिल रही है, सिर्फ महंगी मिल रही है टिकटें। तो बता दूं मैं आपको, इसकी टिकटें बार बार डाली जा रही है, सस्ती वाली भी महंगी वाली भी, और बार बार सोल्ड आउट हो रही है। अभी आप देखते हैं कि सारे अमाउंट की टिकट यहाँ पे दिख रही है आपको, अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे तो काफी टिकटें जो है इसकी सोल्ड आउट हो जाएंगी। तो सोल्ड आउट होने के बाद फिर से इसकी टिकट डाली जानी है और डाले जाने के बाद फिर से इसकी टिकटें सोल्ड आउट हो रही हैं। तो अगर आपको टिकट बुक करनी है तो जाके पेटीएम इंसाइडर के थ्रू आप टिकट बुक कर सकते हैं, इसकी सस्ती वाली महंगी वाली या जो चाहिए आपको वो मिलेगी वहाँ पे। और अगर आप जाते हैं वहाँ पे और सिर्फ आपको महंगी टिकट दिखाई देगी तो आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि बार बार इसकी टिकटें डाली जा रही है, सस्ती वाली भी डाली जा रही है, सोल्ड आउट हो जा रही है, फिर डाली जा रही है। तो अगर आपको बुक करना है तो बार बार चेक करते रहा करिए, जब भी आपको सस्ती वाली दिखाई दे तो बुक कर लीजिए। अगर आपको महंगी टिकट बुक करनी है तो वो तो ऑलवेज अवेलेबल है ही, बुक माई शो या किसी और ऐप पर नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको पेटीएम इंसाइडर पे मिलेगी। तो अगर आपको टिकट बुक करनी है तो जाके पेटीएम इंसाइडर पे आप इस मैच की टिकट बुक कर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए इस मैच की टिकट का लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो आप वहां से भी जाके अपनी टिकट को डायरेक्ट आप बुक कर सकते हैं।